यूपी के बाद अब बिहार की बारी। धार्मिक नगरी में दुकानदारों ने अपनी मर्जी से लिखा दुकान पर नाम। क्या दुकानदार खुश हैं प्रशासन के इस फैसले से? यूपी के बाद अब बिहार में भी दुकानदार अपनी दुकान के आगे नाम लिख रहे हैं। बोध गया में भी कई फल दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाई। देवघर में जल चढ़ाने के बाद बड़ी संख्या में कांवड़िए बोध गया महाबोधि मंदिर भी आते हैं दर्शन करने के लिए। यूपी में अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाए जाने के फरमान के बाद अब बिहार में भी दुकानदार अपने आगे नेम प्लेट लिख रहे हैं। वहीं बोध गया में भी कई फल दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिया है, ताकि लोग अपने मन के मुताबिक दुकानदार के पास जाकर फल व अन्य सामानों को खरीद सकें। दरअसल कल से श्रावण शुरू होने वाला है, ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़िए देवघर में जल चढ़ाने के बाद बोध गया भी आते हैं और महाबोधि मंदिर में दर्शन व पूजा करते हैं। तो ऐसे में सावन में खान पान को लेकर कांवड़िए काफी सजग रहते हैं। कांवड़िए को सही फल और खाने की सामग्री मिल जाए, इसको लेकर बोध गया के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा रखे हैं, ताकि अपने मन मुताबिक फल व सब्जी खरीद सके। दुकानदारों का भी कहना है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सुनिए दुकानदार क्या बोले। सेब, संतरा, केला, अंगूर, बेदाना, यही सब फल का दुकान है। यहाँ बाहर से लोग हमेशा आते रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो है से सब भाईचारा एक रहता है। यहाँ केवड़िया भी आते हैं, विदेश के लोग आते हैं, बहुत तरह के आदमी आते हैं, यहाँ पूरा विश्व के आदमी आते हैं। सावन आ रहा है तो केवड़िया की भीड़ यहाँ कैसा रहता है? भीड़ यहाँ इधर तो हल्का फल्का रहता है, उधर जो है उस साइड में ज़्यादा रहता है। कंवरिया का भीड़ रहता है, हमारी इस साइड में कम रहता है, इस साइड में नहीं रहता है। आपका उस साइड में मंदिर तरफ ज़्यादा रहता है, इधर नहीं है। तो एगो पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की भाई कौन किस आदमी का ये है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, यह है आपका। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं।